मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। टीकमगढ़ विधानसभा जतारा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में होने वाली नगरीय निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव को लेकर कांग्रेस पूर्ण रूप से तैयार है और आने वाले समय में जैसे ही चुनाव होते हैं कांग्रेस पार्टी को 100% मध्य प्रदेश में जीत होगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो जनता के साथ अत्याचार हो रहे हैं इसका जनता आने वाले चुनाव में जवाब देगी और कांग्रेस पार्टी उभर कर आएगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खनिज माफिया जिस तरह से लोगों को डरा धमका कर अपना कार्य कर रहे हैं इसका जवाब भी मध्य प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में देगी। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे सुरेंद्र सिंह गौर, गोविंद सिंह गौर, दिग्विजय सिंह गौर, अम्मू राजा, सैयद मोहम्मद शफी शाह, एडवोकेट धीरू चौबे, बाबूलाल गुप्ता, स्वतंत्र यादव, जुम्मी राजा, सचिन जैन, जुगल वर्मा, शंकर जी, चुनाव को लेकर क्या कांग्रेस की पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है। ठीक है। और आने वाले समय में आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस नगर निगम, नगर नगर परिषद और नगर पंचायत में क्या अपना कब्जा जमा पाएगी, कितने परसेंट? पूरी दमखम से चुनाव लड़ेंगे। सर आपके एक पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा है खनिज माफिया से उन्हें जान का खतरा है। बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल। ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं पूरी तरीके से। अभी देखिए हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष की हत्या हो गई ना। हनीफ चौधरी आदि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। टीकमगढ़ से खबर समय जगत के लिए परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।